हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है सुबह का टाइम, 6 बजे हैं और हम लोग हो गए रेडी निकलने के लिए, क्योंकि अब गंगोत्री जाना है। काफ़ी लंबा ट्रैवल होने वाला है तो जल्दी निकलेंगे यहाँ से। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सामान हमारा पैक हो गया है सब कुछ। तो ये था कल रात को इधर हमारा स्टे। यहाँ से निकलेंगे सीधा सड़क में, ऊपर स्कूटी में सब सामान लोड करेंगे और उसके बाद अब मिलेंगे आगे आप लोगों से रास्ते में। चलो ठीक है, जाओ आराम से, मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका नाम भूल गया मैं यार। विपिन राणा। विपिन राणा, और ये कौन सी जगह है? ये पालीघाट। पालीघाट, ठीक है, बिल्कुल। ये चेकिंग चेक पोस्ट के सामने, ठीक है भाई साहब, लेट्स सी। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं गंगोत्री के लिए और विपिन राणा भाई के पास हम रुके थे। तो अगर आप भी आते हैं यमुनोत्री की तरफ तो जस्ट ये पालीघाट में चेक पोस्ट के सामने इनका राइट साइड में होटल है और रूम दिए देते हैं और काम चलाओ, रूम मिल जाएंगे आपको सस्ते बजट में। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ, तो ये गंगोत्री जाने के लिए पहले उत्तरकाशी जाना पड़ेगा। तो अभी पहला जो स्टेशन आने वाला है वो आएगा ब्रह्मखाल, और अभी फ़िलहाल रोड की कंडीशन कुछ ऐसी है तो आप नज़ारे लो जगह जगह के। ये जगह को देख के हम लोग रुक गए, लुक एट दैट व्यू। वो है ना यार, बड़कोट वाला एरिया होगा वो, है ना? उत्तरकाशी की तरफ, अभी रोड ठीक है और यहाँ से कितना रह गया, 30 किलोमीटर है शायद और अभी उत्तरकाशी, फिर उसके बाद 160 किलोमीटर गंगोत्री। सड़क बहुत बढ़िया, शानदार। उत्तराखंड में एक चीज़ है, सड़कें जहाँ अगर बनी है ना तो वहाँ पर भयंकर ही बनी है, जहाँ नहीं बनी तो आपको पता ही है। अभी हम उत्तरकाशी पहुंच गए हैं, उत्तरकाशी को क्रॉस कर रहे हैं। हाँ 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 इधर दिखाओ। बस केदारनाथ के लिए वहीं, उसके बाद हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन। जब केदारनाथ जाओगे ना तो हो जाएगा केदारनाथ। Look at this view. हमको इधर जाना है, हम इधर से आए, हमारी चेकिंग हुई और ये मिला दोस्तों। तो अभी हम पहुंच रहे हैं हर्षिल वैली और मैंने सोचा कि मैं आपको ये व्यू दिखा देता हूँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ पे ना कैंपिंग भी ठीक ठीक
लग रही है कि हो सकती है, इतना सुनसान भी नहीं है और वी कैन स्टे। दोस्तों यहाँ पर है एप्पल वैली हर्षिल में, ये देखो यहाँ तो सेब अभी फुल है। ओ भाई कलर भी बहुत सही है, ये काफ़ी हाइट में है ना इसलिए। ओला भी नहीं है भाई, बिना जाली के जैसा यहाँ ओला पड़ता ही नहीं होगा ना। लद रखे हैं भाई पेड़, लद रखे हैं। एप्पल वैली है ये, एप्पल वैली हर्षिल। अचानक से बारिश शुरू हो गई और इतनी भयंकर हुई कि बस क्या ही बताएं। और वो सामने धूप लगी है बाहर, और यहाँ हम लोगों की वाट लगी पड़ी है। बीच के मुर्गा बन गया हमारा, नहीं बना है, हम रुक गए थे। हम लोग पहुंच गए हैं अभी गंगोत्री, यहाँ से जाएंगे अंदर। उतना पड़ेगा कि सीधा अंदर जा सकते हैं। तो बोल रहे थे मंदिर तक जाती है। जानी तो चाहिए यहाँ से। यहाँ से अंदर जाती है स्कूटर, टू व्हीलर अंदर जाएगी। अच्छा एचपी से, एचपी एचपी हिमाचल। अंदर कहाँ तक जाएगी? कमरा चाहिए आपको? हाँ कमरा भी चाहिए, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। कितने रेंज में चाहिए आपको कमरा? नॉर्मल सोने के लिए चाहिए, बस रात कट जाए। 400-500 में? हाँ हाँ दो। ये जमा करवा देना। थैंक यू। ठीक है जी, धन्यवाद। कहाँ पे बोला है? सुदर्शन ही तो बोला है, VIP पार्किंग के साथ। गंगोत्री के अंदर एंटर हो गए। सुदर्शन सेवा। ये है गंगोत्री की मार्केट। VIP पार्किंग है, पहले तो वो ढूंढना पड़ेगा। लो लो लो। हेलो, एक बार बात करना जरा। कमरा देखा जाए कहाँ? क्या कह रहे हो? आपसे बात नहीं है, बात। अच्छा अच्छा, ये है अपना कमरा। वो बहुत बढ़िया। लाइटिंग मारो, अटैच है, ठीक है, एंट्री करते काम में। हाँ हाँ, तो अब हम एंटर हो रहे हैं गंगोत्री धाम मंदिर में। बाहर से दिखा देते हैं बस ऐसे।
ये है यहाँ पे मंदिर, और भीड़ तो कम ही है। और हम लोग अभी टाइम से पहुँच गए, तो हमारे पीछे देख लो, अब हम जाएंगे दर्शन करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। इधर से लाइन तो दोस्तों अभी हम लोग हैं गंगोत्री धाम में और दर्शन कर लिए हैं। सुबह 6 बजे चलने के बाद शाम को 4 बजे हम यहाँ पहुँचे, और ठीक मेरे पीछे देख सकते हो ये है गंगोत्री मैया का मंदिर। और हम ऊपर खड़े हैं क्योंकि हमने दर्शन कर लेते हैं, यहाँ से मंदिर दिखता है। पीछे देखो बड़ी चोटी, और हमें एक बढ़िया बात यह है कि हमें आज यहाँ स्टे भी सस्ते में मिल गया, ज़्यादा रश नहीं है, अभी आ सकते हैं आप लोग अगर आप लोग आ रहे हैं। देन सेकेंड धाम इज़ कम्प्लीट, एंड थकान बहुत है लेकिन यहाँ आके सारी थकान उतर गई। आप लो नज़ारे देखो, आपको भी मज़ा आएगा। तो अभी हम लोग आ गए गंगा जल भरने, तो ये है गंगा घाट जहाँ पे नहाते हैं लोग। तो अभी तो पानी कम हो गया है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि गंगा जल भर दिया जाए, इतने दूर आए हैं। ये है हमारी गंगा जल की बॉटल, यहाँ से भरेंगे और लेके जाएंगे। जय गंगा मैया। गंगा जल हमने भर लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं, है ना, मार्केट की तरफ। तो ये सामने का गेट ये बन रहा है अभी, इसमें कुछ होगा। मार्केट पूरी भरी है फिलहाल। मुझे लेना है आई ड्रॉप क्योंकि आंखों में धूल जाके एक आँख हो गई लाल बिल्कुल। ये यहाँ की मार्केट कुछ इस तरीके की। मंदिर का जो नहीं होता सर, एकदम सही बराबर है, नहीं नहीं होता। अब जाते हैं सीधा रूम पे, मिलूंगा अब आप लोगों से। मार्केट तो यहाँ की ऐसी छोटी सी है, रूम पे मिलते हैं। तो गाइज अभी रूम पे आ गए हैं और बहुत थकान है, बहुत ज़्यादा। तो अब इसके बाद सो जाएंगे, अभी खाना करें खाएंगे, शाम को डिनर करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद कल सुबह निकलेंगे हम 4 बजे, क्योंकि कल पहुँचना हमें श्रीनगर, क्योंकि केदारनाथ नहीं पहुँच सकते, कल श्रीनगर जाएंगे। परसों हम केदारनाथ के बेस पर पहुँचेंगे, तो अब कल का ब्लॉग कल शुरू करेंगे। अभी जितने भी ब्लॉग है ना वो थोड़े डिले होंगे, लेकिन बाद में आप लोगों को दिख जाएंगे। 4 धाम 2 कंप्लीट हो गए, अब तीसरा है केदारनाथ जो सबसे डिफिकल्ट है, लेट्स सी। तो बने रहना, चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। मैं मिलता हूं आप लोगों से अब केदारनाथ में। ओके।